देवास जिले में वर्ष 2019 से 21 के बीच किसानों को मिलने वाली राहत राशि को लेकर देवास जिले के 35 पटवारियों ने करोड़ों रुपए की राशि में हेर फेर करने का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला ग्वालियर से ऑडिट होने के बाद पकड़ में आया, जिसे लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक सिंह को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि जिले में जिन पटवारियों ने राहत राशि को किसानों के खाते में न डालते हुए अपने रिश्तेदार और मित्रों के खाते में डालकर करीब 1,61,00,000 रुपए जो गबन किया है, उस पर उन्हें कठोर कार्यवाही करते हुए बर्खास्त किया जाए तथा ब्याज सहित पटवारियों से वसूली पर किसानों के खाते में राहत राशि डलवाई जाए। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। सर, जिले में पटवारियों द्वारा किसानों को जो मिलने वाला मुआवजा था फसल का, उसमें बड़ी राशि का खर्च किया गया है। कितनी वो राशि है सर, और क्या आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर महालेखाकार की टीम आई थी, उन्होंने जो है पिछले वर्षों के 18-19 से लेकर 20-22 तक के जो ऑडिट किए थे, उसमें ये राशि पकड़ में आई थी कि महालेखाकार की टीम ने जब सर्वे किया था, जांच की थी, तो उन्होंने लगभग 1,61,00,000 के आसपास की राशि का जो है वो अनियमितता बताई थी। उन अनियमितता के आधार पर हमने संबंधित पटवारियों को नोटिस जारी किए थे और नोटिस जारी करने के पश्चात हम लोगों ने लगभग 1,10,00,000 की राशि तो वसूल कर ली है, बाकी की वसूली की कार्रवाई चल रही है। और हम लोग जो है, जो अनियमितता जिन्होंने की है, जिन भी अधिकारी कर्मचारियों ने अनियमितता की है, उनको हमने सोकस नोटिस दिए हैं और उनके खिलाफ हम विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। सर, कितने ये एक पटवारी हैं, कितने कर्मचारी हैं और खासतौर किन क्षेत्रों से हैं? ये हमारे ज़िले के जो कर्मचारी हैं, ज़्यादातर खातेगांव के पटवारी हैं और कन्नौज के कुछ पटवारी, कुछ सोनकच्छ के लोग हैं। कितने हैं सर ये? 35 लोग हैं ये जी, जिनके खिलाफ हमको ये कार्रवाई करनी है। सर, देखा जाए तो एक तरह से ये संगठित रूप से अपराध किया गया है, फाइनेंशियल अपराध किया गया है, तो इसमें क्या कड़ी कार्रवाई संभावित है आपकी ओर से? बिल्कुल, हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। पहले हम लोग जो शासन की राशि का जो दुरुपयोग हुआ है, उस राशि को वसूल करने की प्रक्रिया में है। स्टेप बाय स्टेप हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो राशि जरा वसूल करेंगे, क्या ये वापस किसानों को मिलेगी, क्योंकि उनकी मुआवजा की राशि थी? हाँ, हम लोग उसी तरह का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।